बारिश हुई है आज। गुड मॉर्निंग चीकू। यार मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ। मोटर निकाल के क्या करेगी बेटी? तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और पायल अपने साथ में अपना डब्बा लेके घूम रही है। तो हम दोनों सेम पहन लेते ना बर्थडे पे, मसाला और टैंगो। इतनी बड़ी थी, धुला धुला के साफ करूंगी। तो सबसे पहले मैंने चाप निकाल ली है। मेरे घर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम सीरियसली बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है। आज करीब 12 बजे उठी थी मैं। और मौसम बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मौसम बाहर का जो है बहुत ज़्यादा बेईमान हो रहा है। बारिश हुई है आज और बारिश की वजह से हमारे कपड़े जो है सारे गीले हो गए हैं। यहाँ भी कपड़े पड़े हैं तो ये सारे कपड़े अब दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे, पर वॉश मैं तभी करवाऊंगी जब ये बारिश रुक के मौसम खुल जाए। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग चीकू, हाउ आर यू? ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आपको ना हमारे बेडशीट पे चद्दर नहीं दिख रही रात को, क्या? हाँ तो मैंने क्या बोला? यार मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ, ऐसा क्यों है पायल? हमारे बेड पे चद्दर क्यों नहीं है? क्योंकि कल चीकू ने खाई थी यहाँ पे मिठाई। हम लोग चले गए थे भाभी के घर पे, फिर जब हम आए तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियां थी, इसलिए चद्दर हमें हटानी पड़ी। तो गाइस यहाँ पे बन गए हैं गरम गरम मजेदार मूली के परांठे। बहुत टाइम से मूली के परांठे नहीं खाए थे तो आज बन गए हैं मूली के परांठे। यहाँ पे हमारी आज हमने थोड़ी थोड़ी चाय बनवाई है। वैसे ना चाय इतनी भर के देती है शांति। यहाँ चाय आ गई है, बस अब मूली के परांठे का वेट है। जैसे मूली के परांठे आएंगे ना तो गाइस मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, हम करेंगे हल्ला बोल। और रात को भी खाना खाया था, ऐसा नहीं रात को खाना नहीं खाया था। रात को वहाँ से आने के बाद स्पेशली रोटी खत्म थी तो गोलू ने और दीपक ने मिलकर रोटी बनाई थी। मैं तो परांठा भी खाया था, इसने तो परांठे खाए थे दो, पर मैंने चार रोटी खाई थी। भूख इतनी लग रही थी और अभी सुबह उठते ही फिर ऐसा लग रहा है इतनी भूख लग रही है। हाँ जी बेटा, बोर हो रहे हो? टीवी देख लो, रात वाली मूवी देख लो पूरी। नीचे बारिश हो रही है कुछ, वैसे भी स्कूटर चला नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा और बारिश में कोई बच्चा होता नहीं तो क्या करोगे अकेले। तो गाइस यहाँ पर मैंने तीन चीजें निकाली किचन के लिए, क्योंकि सब दो दो थी, दो ये कपड़े थे, दो ये कपड़े थे, दो स्पॉन्ज थे, तो मैंने शांति को दे दिया है। सामान तू रख लियो संभाल कर किचन में। और ये जो मग है ना हम लोगों ने निकाले थे और अभी क्रॉकरी वाले स्टैंड में लगाए थे। शांति ने बताया कि मग्स में ना तरेड़ आई हुई है, दरार से आई हुई है। तो पहले 580 का एक है, बता वापस करवाऊंगी। 580 के दो है ना, मतलब एक सेट 580 तो वापस चारों वापस होंगे। और चारों टूटे हैं, चारों टूटे हुए हैं। देख गलत बात है यार इनकी, हम बंदे चेक करके नहीं लेते तो ये लोग भी ना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सभी के लिए सोया चाप, मलाई सोया चाप, वो भी घर पे। और रेसिपी दूंगी पूरी, अगर आप लोगों को भी बनानी होगी तो आप लोग भी बना सकते हैं अपने अपने घर में। मैं ये सेकंड टाइम ट्राई करूंगी, एक बार बहुत पहले दिल्ली में मैंने बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि अपने साथ आप लोगों को भी रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग बीच बीच में रेसिपी मांगते रहते हो मुझसे। तो सबसे पहले ना ये अमूल क्रीम काफी टाइम से फ्रिज में पड़ी हुई थी और इसकी एक्सपायरी होने वाली है 23 मार्च को, तो अभी टाइम है, तो ये भी यूज हो जाएगी और लोग खा भी लेंगे। यहाँ पे चीकू को ना अपने हाथ से बिल्कुल ये जो है खाना पसंद नहीं है, इसने मेरे को आवाज मारी मम्मा आप खिला दो, आपके हाथ के बिना स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पे ये कार्टून देख रहे हैं और मैं इसे ये खिला रही हूँ। गाइस यहाँ पे सारे जो कपड़े ना हमारे और इवन झाड़ू भी पूरी गीली हो गई है बारिश की वजह से। अभी क्या करना पड़ेगा, ये कपड़े वापस निकाल के ना एक बार ड्रेन से निकालने पड़ेंगे और ना स्टैंड ऊपर से लाके अंदर सुखाने पड़ेंगे। तो गाइस कल ये वाली जो ब्रश मैं लेके आई थी ना वो इसी काम के लिए लेके आई थी, ये कारपेट उठाने से पहले ना कारपेट को अच्छे से झाड़ देंगे, उसका डस्ट सारा निकाल देंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करके जब सफाई हो जाएगी उसके बाद हम इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से देखो पूरा डस्ट निकल गया। देखिए यहाँ पे देखो गाइस ये ब्रश इतना काम का है ना, इससे हमारा सोफा भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मतलब हमें जो सोफे की दिक्कत थी ना कि सोफा बहुत डस्टी हो जाता है, तो इससे सोफा भी पूरा क्लीन हो जाएगा, रोज मार देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप ना इस गाड़ी की हालत देख सकते हो और इस गाड़ी की हालत ये करने के लिए पीछे है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, चीकू। बेटे क्या कर रही है ये? मोटर निकाल के क्या करेगी बेटी? जब आप ये टॉयज मंगाते हो तब इतनी रिक्वेस्ट करते हो मम्मा दिला दो दिला दो दिला दो, और बाद में आप इनका ये बेड़ा गर्क करते हो। आपका रबड़ बैंड का है, चोटी क्यों नहीं बना रखी? यहाँ पे मेरी दवाई का टाइम भी हो गया तो दवाई ले लेती हूँ। दवाई लेने के बाद मैं आज एक और चीज बताती हूँ आपको जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की है। क्या होता है ना जब दो बेबीज होते हैं ना तो वो थोड़ा कमजोर होता है, एक थोड़ा ठीक होता है, तो उसके लिए ना डॉक्टर ने मुझे शैशे लिख के दिए हैं। वो शैशे मुझे दिन में 2 बार पीने हैं। अगर आप में से किसी की ट्विन प्रेगनेंसी हो ना तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा हो तो आप वाले शैशे जो है वो यूज कर सकते हो। मैं भी ये है वो गाइस शैशे जो मेरे को दिया है डॉक्टर ने, और इसको आप ना ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इसका मैंने कल पढ़ा था पूरा बैठ के ना, ये पढ़ा था मैंने इसका कि इससे जो है बेबीज को पूरा न्यूट्रिशन जाता है और क्या था, फीटल ग्रोथ होती है अच्छी और न्यूट्रिशन जाता है, और साथ साथ ना अगर कोई बर्थ डिफेक्ट होता है तो वो भी कम हो जाता है इस चीज से, मतलब कि चांसेस नहीं रहते कि कोई भी डिफेक्ट हो बेबी में। तो ये मैं पी रही हूँ अपने साथ साथ ना इसको भी पिला रही हूँ, ये एक टाइम पी रही है मैं 2 टाइम पी रही हूँ। चोने आप बोल रहे हो ना मुझे वो भी खाना, मुझे उसके साथ खाना है। किस
इसके साथ पनीर के साथ मंगा दी मैंने। पनीर बना रही हूँ, चाप बना रही हूँ आज, बहुत टेस्टी। आपके लिए पनीर बनाऊंगी, बाकी सबके लिए नहीं, चाप खाते हैं। ठीक है, चाप बना रही हूँ, पर मैं वैसी चाप थोड़ी बना रही हूँ, सब्जी मलाई चाप बना रही हूँ। ये तो मार्केट वाली खाते हैं, वो भी बन सकती है घर में, दोनों बन सकती है। पर मैं सब्जी वाले नीचे वाले बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, सबके लिए आज ऊपर ही बना रही हूँ। एक बार फोन दियो गूगल पे करने। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि रात को चीकू के पापा घर आ जाएंगे। सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट्स मैंने सुबह राहुल से मंगवा लिए थे और सब्जियाँ नहीं थी, तो सब्जियों के अंदर हमें चाहिए था ब्रोकली और पालक पत्ते को क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। तो गाइस यहाँ पे ना खीरा भी ले रहे हैं, ज्यादा खीरा नहीं ले रहे, थोड़ा ही ले रहे हैं, सही रहता है। तो भैया ले लो तोल लो। तो गाइस आज ना बहुत ज्यादा टेस्टी ना बने थे मूली के परांठे, जैसे कि मैंने बताया था। तो हम लोगों ने मूली भी ले ली, क्योंकि कल भी बनवाएंगे मूली के परांठे। तो यहाँ पर पायल कह रही है कि गोलू मूली एक किलो है, दो है, कि एक किलो में दो ही चढ़ी है मूली, भैया एक किलो और दे दो। तो एक किलो और मंगवाई आज। पता है गाइस क्या हुआ था आज, मूली के परांठे सिर्फ चार बने थे, दो मैंने खा लिए, दो पायल ने खा लिए, और फिर बच्चे ही नहीं, बाकी किसी ने नहीं खाए थे। मैं चाहती हूँ कि कल सब लोग खाएं मूली के परांठे हमारे साथ, हम भी खाएं, बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे का काम चल रहा है यहाँ पे फुल। तो यहाँ पे ना मैट लग चुका है, नितिन भैया का जो स्टूडियो है ना, इसमें मैट लग चुका है, और ये जो मैट है ये चिपका है पूरा। तो मैं चप्पल उतार के चलूंगी, तो कुछ रूम ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वॉलपेपर्स हैं, यहाँ पे भी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आज से यहाँ पे स्लीपर्स आना बिल्कुल बंद है, स्लीपर्स रूम के बाहर रहेगी यहाँ पे, क्योंकि एडिटिंग का काम होगा, तो नो गंदगी नथिंग। तो मेरा ना फन फ्लिप खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, क्योंकि मैंने उस दिन बिग बास्केट फन फ्लिप मंगवाए थे। बिग बास्केट में क्या दो दिन बाद का ऑर्डर दिखाते हैं, तो मैंने अभी नीचे भाभी से फोन करके पूछा मैं कि आपका फन फ्लिप है, तो जो मैं फ्लेवर खाती हूँ मुझे मिल गया। तो अभी मैंने बहुत सारे फन फ्लिप मंगवाए हैं, और पायल अपने साथ में अपना डब्बा लेके घूम रही है। डब्बा किसका मैं दिखाती हूँ, डब्बा है गाइस ये है चने का डब्बा। तो पायल ने बोला खाने से ना आयरन कमी जो होती है वो पूरी जाती है। भैया अब आपकी जिम्मेदारी है स्टूडियो को साफ रखना। मैं तो रख लूं साफ। हाँ, शरारती तत्व आते हैं ना कुछ, तो फिर उन शरारती तत्वों को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। मैं हूँ उनके लिए शरारती तत्वों के लिए पायल है ठीक करने के लिए। तो गाइस सारा का सारा जो सामान आ गया ऊपर आ गया, सब्जियां पहले फ्रूट्स पहले आ गए थे, सब्जी अब आ गई है। तो देखते हो शांति क्या कर रही है। शांति और बहुत तेज की भूख लग रही है, क्या बनाया खाने में? आलू बीन्स की सब्जी और रोटी है। तो मैं तो वो खाऊंगी गाइस करेला, क्योंकि मेरे को करेला खाना बहुत 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 पसंद है। करेला मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, स्टार्टिंग से ना मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है। तो शांति मुझे करेला दीजिए, थोड़े से आलू बीन्स की सब्जी भी। तो यहाँ पर ना पायल ने मांगी है कैंची। कैंची क्यों मांगी है गाइस मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक पार्सल आया है, तो अभी पायल कर रही है उसकी ओपनिंग। तो गाइस एक वन पीस आया है, बहुत सुंदर लग रहा है, ब्लू कलर का कपड़ा। कैसा पायल इसका? यार तेरे बर्थडे पे ये भी पहन सकती हूं मैं। तो हम दोनों सेम पहन लेते ना बर्थडे पे, तो काम करते बर्थडे पे दोनों ये ड्रेस पहनते, ब्लू एंड व्हाइट। वैसे भी हम गाइस सारे कपड़े सेम पहनते हैं, तो बर्थडे पे भी पायल के बर्थडे पे भी हमने सेम कपड़े पहनते हैं, बस कलर का डिफरेंस था। उसकी थोड़ी शॉर्ट थी और मेरी ड्रेस थोड़ी लॉन्ग थी, क्योंकि हाइट की वजह से ना हेट भी आ गया, तो ड्रेस छोटी नहीं पहन सकती, छोटी ड्रेस और ज्यादा छोटी हो जाती है। तो गाइस मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही थी। मैं ये बोल रही थी कि मेरी हाइट ऑलरेडी लंबी है, तो जब मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ ना, तो अब टमी आ गया, तो टमी की वजह से कपड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो जो ड्रेस है ना और ज्यादा छोटी हो जाती है। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं छोटी ड्रेस ना पहनूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बहुत सुंदर वन पीस आया था ब्लू एंड पिंक कलर का, जो मैंने पहना ना तो मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट था, और मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था पहनते हुए, क्योंकि मैं इतने शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती हूँ। तो मैंने कहा मैं जितनी भी प्रेगनेंसी में कपड़े पहनूंगी ना लॉन्ग ही पहनूंगी, शॉर्ट पहनूंगी तब पहनूंगी जब मैं पतली हो जाऊंगी वापस प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा ना तब पहनूंगी। तो गाइस जो मैंने मंगवाया था आ गया, देख सकती हो। तो ये सब है मेरी मनपसंद की चीजें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और दो ही फ्लेवर पसंद आते हैं, मसाला और टैंगो। तो मैंने बहुत सारे मंगवा लिए स्टॉक में, क्योंकि रात को अचानक से मन करता है खाने का, तो ये सब होना चाहिए मेरे पास। पायल तू भी खा लियो। तो ये सब मेरी क्रेविंग है, पायल की क्रेविंग दिखा दो। तो गाइस यहाँ पे ना खाना आ चुका है, और ना सच में इतनी तेज भूख लगने लगी है ना आजकल मुझे और पायल को, कल रात को भी ऐसे लग रहा है जैसे मतलब पूरा दिन ऐसे लगता है भूख ही लग रही है, और हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो पहले खाना खाती हूँ फिर बात करती हूँ। तो गाइस लंच मैंने कर लिया, बस लंच करने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पर, थोड़े से प्लांट्स देख कर आती हूँ। वैसे मॉर्निंग में तो आज बारिश आई गई थी, प्लांट्स को पानी डल गया होगा, बट मैं फिर भी एक बार देखाती हूँ कि काम भी क्या चल रहा है और पौधों का भी क्या हालत है। तो गाइस आज कुदरत ने बड़ी तेज लगा, गाइस बहुत तेज लगा। ओहो मैं इतनी सी जगह से निकल रही थी और मेरी ना थाईस पे बहुत तेज चुभा, बड़ी तेज कांटा चुभता है। दीपक इसका तो बड़ा तीखा तीखा था। तो ये वाला जो कांटा है ना, तो इंजेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को कल ना यहाँ पे गाइस इंजेक्शन लगा था, वो जो वो थी ना वैक्सीन थी मेरी पायल की, तो वो हाथ पे लगती है, तो मुझे हाथ पे लगी थी, उससे भी ज्यादा दर्द हुआ। भी मेरे ख्याल से 3-4 इकट्ठे कांटे चुभ गए थे। ओहो मैं तो अगली बार यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलूंगी। जब पायल को लगा ना तो मैंने कहा अच्छा, पर जब तक खुद को नहीं लगती ना, जो चीज खुद को फील नहीं होती ना, वो दर्द का एहसास ना होता नहीं है। आज हो गया एहसास।
तो गाइस ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला पौधा हम उठा रहे हैं। क्या हो गया, तेरे को लग गई? ये वाला पौधा ना दीपक उठाएगा, मैं तो उठा नहीं सकती, तो इसको साइड पे कर रहे हैं क्योंकि बहुत तीखा तीखा है, बहुत तेज लगता है। तो गाइस ये काम देखने के लिए आई थी, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से ऊपर से बनेगा पूरा का पूरा। तो ये रेडी हो चुका है, जो बोलते ना ढांचा एक तरह का, तो ये ढांचा पूरा का पूरा ऊपर का बन गया। अभी साइड का भी काम बाकी है, बहुत सारा काम है जो नीचे बाकी है। और आज ना भैया आए नहीं क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग का काम था, वेल्डिंग का काम कैसे होगा बारिश के अंदर, तो भैया आएंगे कल आएंगे तो काम होगा। गुड बॉय बन जा, देख मैं तेरी सारी जिद पूरी करती हूँ, मेरी गुड बॉय बन जा, थोड़ा सा आलू खा के देख ले, तब तक सब्जी बन जाएगी पनीर की, फिर पनीर खा लियो। मैं चीकू को नहीं ला रही हूँ, उसके लिए स्पेशल डिमांड है, उसके लिए ब्लैक टी शर्ट निकाल दी, निकालती हूँ ठीक। तो यहाँ पर ना चीकू के लिए मैंने नया टावल निकाल दिया, और ये वही टावल है गाइस जो हम कल लेकर आए थे, क्योंकि चीकू का जो टावल है ना इतना गंदा हो चुका है, बहुत ही गंदा हो गया, तो आज मैं इसको नए टावल से धुला धुला के साफ करूंगी। तो गाइस बस मैं उठ चुकी हूँ, बहुत आलस आ रहा था, मैंने आलस को छोड़ दिए परे। अब मैं जा रही हूँ बनाने आज सोया चाप की सब्जी, और उसकी रेसिपी जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं दूंगी आज। तो मैंने सबसे पहले चाप जो है वो फ्रेश मंगवाई है, पैकेट वाली नहीं मंगवाई है, फ्रेश मंगवाई है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने चाप निकाल ली है, इसको हल्की सी क्योंकि फ्रिज में रख दी थी शांति ने, हल्की सी बर्फ आ गई है, तो इसको धो के पहले अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो गाइस मेरी जो सोयाबीन है ना वो मैंने धो लिया, अब इसको स्टिक में से निकाल लेना है। और ये जो मलाई मैंने मंगवाई है जो राहुल से, बिल्कुल फ्रेश सोया चाप है, मतलब इतनी ज्यादा जो हम मार्केट से लेते हैं ना पैकेट वाली, बहुत ज्यादा टाइट होती है, तो ये बहुत ज्यादा पतली है। अभी क्या करना है आपको, इसके ना टुकड़े कर लेने हैं, तीन चार जितने भी आपको करने हैं, मैं पांच टुकड़ा करूंगी एक सोया चाप से, पांच हो गए। जब तक मैं इसको ना मैरिनेट करूंगी, मैरिनेट किस चीज से करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दीपक को जो है ड्यूटी दे दी है, दीपक को दिए हैं तीन प्याज काटने के लिए, प्याज के साथ छह टमाटर। तो ना मैं बर्तन वर्तन सब साथ के साथ ही कर रही हूँ ताकि जो है किचन फैले ना। तो ये है क्रीम जो कि अभी तक खुली नहीं थी, खोल देती हूँ उसे आज, और ये काफी टाइम से हम लेके आए थे। खुशबू बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, ये 23 तारीख तक चलेगी। तो पहले हम इसमें करते हैं मलाई है, तो अब इसमें मैं थोड़े से जो है मसाले डालूंगी। सबसे पहले डालूंगी थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी हल्की सी, और एक चम्मच नमक, और ये है हरा धनिया। अब इसको कर देंगे मिक्स, हाथ से करोगे चम्मच से? चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन चम्मच से अच्छे से होगा नहीं, तो हाथ से करूंगी, हाथ धुला हुआ है। आप इसे ना फ्राई करके भी बना सकते हो, पर मैं फ्राई करके नहीं बना रही हूँ। अगर आप फ्राई करके बनाओगे तो ये ना थोड़ी टाइट हो जाती है, सोयाबीन ऑलरेडी टाइट होती है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ ताकि ये खाने में ना जैसे खींचने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे ना मैं ये कच्चा मतलब ये वाला जो लहसुन और अदरक आता है ना वही वाला ले रही हूँ, इसमें मैं वो नहीं ले रही, पेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि पेस्ट का टेस्ट ना इतना अच्छा नहीं होता जितना फ्रेश इसका होता है। तो मैं इसको फ्रेश को जो है पहले सबसे पहले ग्राइंड करूंगी, टमाटर अदरक मिर्ची ये लहसुन, उसके बाद पहले इसको शैलो फ्राई करूंगी, प्याज को दिखा दूंगी अभी धीरे धीरे। तो गाइस मुझसे ना ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा किचन में, अभी मैं लहसुन और अदरक कर रही थी ना तो मुझे सांस चढ़ने लगी, तो मैंने अभी शांति को समझाया कि प्याज को तू शैलो फ्राई कर दे, मतलब ब्राउन ब्राउन जैसे बिरयानी के लिए करते हैं ना वैसे करके निकाल दे, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आके करती हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा अदरक लहसुन टमाटर मिर्ची वो जो है ग्राइंड हो गया है, शांति कर दिया है, और यहाँ पे जो है हमारा केसर का दूध भी बन चुका है। आज मैंने ना दोपहर में जो है सुबह जो है मूली के पराठे खाए थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, तो शांति ने दूध बना दिया, तो अभी मैं दूध पी लेती हूँ। यहाँ पे जो है मेरा प्याज भी जो है रख दिया है, तेल गर्म हो गया था, और जो गैस को है ना, गैस को आपको सिम पे ही रखना है, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो प्याज है ना वो हल्की ब्राउन हो गई थी, अब इसको भी ग्राइंड करना है मिक्सी में, तो हल्का सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। तब तक मैं अपना जो तेल है उसे गर्म कर लेती हूँ क्योंकि गैस जो है बंद कर दिया था। तो गाइज यहाँ पर ना मेरी शाम की पूजा हो गई एकदम डन, और आज ना मैंने मंदिर पूरा अंदर से भी क्लीन किया अच्छे से, साथ ही साथ ना ये जो विंडो थी ये भी क्लीन करी है, यहाँ पे भी क्लीन करा है, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। मेरा जो प्याज है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं डाल दू टमाटर अदरक लहसुन टमाटर मिर्ची सब, अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें बाकी के मसाले जो मुझे ऐड कर देंगे। जो पहले चाप में डाले वो मैरिनेट कर रही हूँ ना, वो अच्छा, काफी नहीं होगा। अच्छा बस मसाले तो इसमें मैं थोड़ा बटर भी ऐड कर रही हूँ, बटर से जो टेस्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा इसका। गाइस आप देख सकते हो मेरे मसाले का कलर कितना सुंदर आया है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आया है। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी ये मैरिनेट किया हुआ चाप।
तो शाम को ना मैंने केसर वाला दूध पिया, तब से ना मेरा पेट इतना भरा भरा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना बिल्कुल भरा हुआ है। तो पान ने बोला गोलू चाप टेस्ट कर, तो मैं एक बुर्की उसके लिए खाई और ऐसे लग रहा है जैसे चाप ना बाहर की बनी है, इतनी टेस्टी बनी है, मजा आ गया खाकर। तो गाइज आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इतनी तेज नींद आ रही है ना, मैंने खा लिया फुल अपनी चाप, साथ में खाई रोटी और बस अब दूध भी पी चुकी हूँ, तो बस अब सोऊंगी। मेडिसिन रह गई मेरी, हाँ याद आ गया, कोई याद नहीं दिलाता, मैं खुद को याद दिलाती हूँ। तो मेडिसिन पायल को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने चीकू का गाना नहीं देखा, स्कूल नहीं जाना, जरूर जाकर देखे, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।